हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। ये देखिए, आज मैं बहुत प्यारा डिज़ाइन लेकर आई हूँ। इस डिज़ाइन को आप जेंट्स हाफ स्वेटर में, बच्चों के स्वेटर में, गर्ल्स टॉप में, गर्ल्स स्वेटर में, कार्डिगन में, जैकेट में, किसी भी प्रोजेक्ट में बना सकते हैं। यह हर प्रोजेक्ट में बनकर बहुत ही सुंदर आएगा। और इसे बनाने के लिए जो हमें फंदे चाहिए वो 8 मल्टीपल के फंदे चाहिए। 8 मल्टीपल करने के बाद 2 फंदे एक्स्ट्रा चाहिए एस 10 स्टीच के लिए। और ये 8 सलाई का डिज़ाइन है। 8 सलाई हमें बार बार रिपीट करनी है इसमें। और ये हमारे डिजाइन की सीधी साइड है, इस तरह से नज़र आएगी। और ये रॉन्ग साइड है, रॉन्ग साइड इस तरह से नज़र आएगी। अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने इसमें 18 फंदे लिए हैं। 8 मल्टीपल करने के बाद 16 फंदे लिए हैं, 8 × 16 और 2 फंदे एस 10 स्टीच के लिए लिए हैं। इस तरह से हमने फंदे लिए हैं। और ये हमारी सीधी साइड है, सीधी साइड से डिजाइन स्टार्ट होगा। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट रो पहला फंदा स्लिप करेंगे, ऊन आगे करेंगे, पहली सिलाई हम उल्टी बनाएंगे। सीधी साइड से पहली सिलाई उल्टी बनेगी इस तरह से। फर्स्ट रो सीधी साइड से पूरी सिलाई हमें उल्टी बना लेनी है। सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनकर सिलाई को पूरी करें। एस 10 स्टीच का फंदा है, ऊन पीछे करेंगे, पहला फंदा, आखिर का फंदा एस 10 स्टीच सीधा बना लेते हैं। यह हमारी फर्स्ट रो पूरी हो गई। दूसरी सिलाई है रॉन्ग साइड, ये पूरी सिलाई उल्टी बनेगी। पहला फंदा स्लिप करेंगे, बाकी के सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनकर सिलाई को पूरी करेंगे। ये पूरी सिलाई उल्टी बना लेते हैं। तीसरी सिलाई है सीधी साइड, ये पूरी सिलाई उल्टी बनेगी। पहला फंदा स्लिप करेंगे, ऊन आ गए, सीधी साइड से तीसरी सिलाई उल्टी उल्टी बनाएंगे। इन सभी फंदों को उल्टा बुनकर सिलाई को पूरी करेंगे। ठीक है, इन सभी फंदों को बना लेते हैं। फोर्थ रो है रॉन्ग साइड, ये पूरी उल्टी बनेगी। पहला फंदा स्लिप करेंगे, बाकी सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनकर सिलाई को पूरी करेंगे। फोर्थ रो रॉन्ग साइड, सभी फंदों को उल्टा बनाएंगे। ठीक है, इसे पूरी कर लेते हैं। अब ये पांचवी सिलाई है सीधी साइड। हमने 4 सिलाई उल्टी उल्टी बनाई है, सीधी साइड से भी, उल्टी साइड से भी। अब ये पांचवी सिलाई बनाते हैं। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, पहला फंदा स्लिप करेंगे, यहाँ से हम रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे। 3 फंदे सीधे, 1 2 3, 3 फंदे सीधे। अब ये जो 2 फंदे हैं, अब 1 फंदे का 3 फंदा बनाएंगे, फिर 1 फंदे का 3 फंदा बनाएंगे। ऐसा हम 2 बार करेंगे। आगे वाले फंदे पर 3 बार बनाएंगे हम। पहले 1 यहाँ से बुना, फिर 1 पीछे की साइड से बुनेंगे, 2 फिर 1 बार फिर से यहाँ से बुनेंगे, 3। ये हमने 1 बार 3 फंदे बुन लिए। अब दूसरे फंदे को भी 3 बार बुनेंगे इस तरह से। 1 फंदा और फिर यहाँ से बुनेंगे, ये यहाँ पर इसे ढीला रखेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से आगे की साइड से बनाएंगे 1 बार, 2 फंदे हो गए। फिर यहाँ से फिर से 3 फंदे हो गए। अब 3 फंदे सीधे, 1 2 3। ये देखें, यहाँ से एस 10 स्टीच का फंदा छोड़ने के बाद 8 फंदों का एक पैटर्न हो गया है। यही 8 फंदे हमें पूरी रो में रिपीट करने हैं इस तरह से। फिर से इस तरह से रिपीट करेंगे, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, 3 फंदे सीधे। फिर 2 फंदों पर 1 फंदे का 3 फंदे बनाएंगे, फिर 1 फंदे का 3 फंदा बनाएंगे। ऐसा हम 2 बार करेंगे। 1 फंदा सीधा बनाया यहाँ से, फिर बैक लूप से बनाएंगे 1 फंदा, 2 फंदे हो गए। फिर आगे की साइड से बनाएंगे, 3 फंदे हो गए। फिर से दूसरे फंदे को भी इसी तरह से बुनेंगे, 1 फंदा यहाँ से ढीला रखेंगे इसे, फिर 1 बार बैक लूप से बनाएंगे, 2, फिर 1 बार यहाँ से बनाएंगे, 3, 3 फंदे हो गए। आखिर में 4 फंदे बचे हैं, 3 फंदे सीधे, 1 2 3। एस 10 स्टीच सीधा बना लेते हैं।
ये हमारी पांचवी सिलाई पूरी हो गई। छठी सिलाई है रॉन्ग साइड। पहला फंदा स्लिप करेंगे, यहाँ से हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट होता है। तीन फंदे उल्टे, एक दो तीन। ये जो हमने एक फंदे पर तीन फंदे बनाए थे, इन तीन फंदों को स्लिप करेंगे। ठीक है, ये तीन फंदे स्लिप किए। फिर दूसरी बार भी हमने एक फंदे पर तीन फंदे बनाए थे, उसको भी स्लिप कर लेंगे। दो बार हम तीन तीन फंदे स्लिप करेंगे। अब तीन फंदे उल्टे इस तरह से, एक दो तीन। ये आठ फंदों का एक पैटर्न हो गया। अब फिर से यही रिपीट करेंगे, तीन फंदे उल्टे, एक दो तीन। और ये तीन फंदे स्लिप करेंगे, जो एक फंदे से तीन फंदे बनाए थे, फिर दूसरी फंदे को भी एक फंदे से तीन फंदे बनाए थे स्लिप करेंगे। आखिर के चार फंदे बचते हैं, चारों फंदे उल्टे बनाएंगे, एक दो तीन। ऐसा स्टिच उल्टा बना लेते हैं। छठी सिलाई पूरी हो गई। सातवीं सिलाई है सीधी साइड। पहला फंदा स्लिप करेंगे, यहाँ से हम रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे। एक फंदा सीधा। अब यहाँ हम पांच फंदों का ट्विस्ट करेंगे। ये शुरू के दो फंदे और ये तीन फंदे हैं जो हमने एक फंदे से तीन फंदे बनाए हैं। आगे के दो फंदे पीछे लेकर जाएंगे, पीछे के तीन फंदे आगे लेकर आएंगे। इस तरह से यहाँ से इन्हें निकाल कर पीछे रखेंगे इन फंदों को, और पीछे के तीन फंदे आगे, और इनको बैक लूप से तीनों को एक साथ बनाएंगे। तीन फंदों का एक करेंगे बैक लूप से। अब ये दो फंदे सीधे, एक दो ये। अब इन्हें भी इसी तरह से करेंगे, ये आगे के तीन फंदे पीछे लेकर जाएंगे और पीछे के दो फंदे आगे लेकर आएंगे। पांच फंदों को ट्विस्ट करेंगे राइट टू लेफ्ट इस तरह से। इन्हें उतार कर पीछे रखेंगे, तीन फंदे पीछे, पीछे के दो फंदे आगे। और पहले हम दो फंदे सीधे बनाएंगे, एक दो। तीन फंदों का एक करेंगे बैक लूप से, एक फंदा सीधा। इस तरह से ये हमारा एक पैटर्न पूरा हो गया। ऐसा स्टिच छोड़ने के बाद ये आठ फंदों का एक पैटर्न पूरा हो गया। यही फिर से हम रिपीट करेंगे, आठ फंदे, एक फंदा सीधा। फिर से ये शुरू के दो फंदे और पीछे के तीन फंदों पर हम ट्विस्ट करेंगे, पीछे के तीन फंदे आगे लेकर आएंगे, आगे के दो फंदे पीछे लेकर जाएंगे। इस तरह से बैक लूप से तीन फंदों का एक करेंगे, फिर दो फंदे सीधे बनाएंगे, एक दो। अब शुरू के तीन फंदे हैं, इन्हें पीछे लेकर जाएंगे, पीछे के दो फंदे आगे लेकर आएंगे। इस तरह से बैक लूप से पीछे के दो फंदे आगे लेकर आएंगे और आगे के तीन फंदे पीछे लेकर जाएंगे। पहले दो फंदे सीधे बनाएंगे, एक दो। फिर तीन फंदों का एक करेंगे बैक लूप से, फिर एक फंदा सीधा। ऐसा स्टिच का फंदा सीधा बना लेते हैं। ये सातवीं सिलाई पूरी हो गई। इस तरह से ये डिजाइन बनकर आया है, ये देखिए। आठवीं सिलाई है रॉन्ग साइड। ये पूरी उल्टी बनेगी। पहला फंदा स्लिप करेंगे और बाकी के सभी फंदे उल्टे उल्टे बुनकर हम सिलाई को पूरी करेंगे इस तरह से। पूरी सिलाई उल्टी बना दी और ये आठ सिलाई का डिजाइन हमारा पूरा हो गया। ये देखिए, आठ सिलाई पूरी होने पर इस तरह से ये डिजाइन बनकर आया है। आठ सिलाई पूरी होने के बाद फिर से हम यही आठ सिलाई रिपीट करेंगे इस तरह से। पहला फंदा स्लिप करेंगे, रिपीट अगेन, ऊन आगे करेंगे, बाकी पहली सिलाई पूरी उल्टी बनेगी। पहली सिलाई हमारी उल्टी बनती है इस तरह से। पहले हम चार सिलाई उल्टी उल्टी बनाएंगे और फिर पांचवी सिलाई से इस तरह का डिजाइन बनाना स्टार्ट करेंगे। इस तरह का डिजाइन है, बहुत ही आसान डिजाइन है, बहुत ही आसानी से बन जाता है।
और हर प्रोजेक्ट पर बहुत ही सुंदर बनकर आएगा। जेंट्स स्वेटर में बनाए, बच्चों के स्वेटर में बनाए, लेडीज कार्डिगन जैकेट, गर्ल्स टॉप, स्वेटर, हर प्रोजेक्ट में बहुत ही सुंदर लगेगा। ये देखिए, 8 सिलाई बार बार रिपीट करने पर इस तरह से बहुत सुंदर डिजाइन बनकर आएगा। अगर आपको मेरा डिजाइन पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन की घंटी पर क्लिक जरूर करें। इससे आपको मेरी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ओके, बाय बाय, थैंक यू।